हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी अभी पहला शो देख के आया हूँ राम सेतु का। और मैं पहले आपको बता दूँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो की जो ऑक्यूपेंसी अभी शुरू हुई है दिवाली के इमीडिएटली बाद, सिर्फ 10% है, विच इज ओके बिकॉज अभी तो लोग सो के ही जागे होंगे। और ये जो मूवी है बेसिकली डायरेक्टर अभिषेक शर्मा ने बनाई है, तो जो उनका विजन है किस तरीके से ट्रांसलेट हुआ है स्क्रीन के ऊपर वो डिस्कस करेंगे। इसमें अक्षय कुमार आपको दिखने वाले हैं, जैकलिन फर्नांडिस भी ओके हैं यहाँ पर, नुसरत भरूचा भी आती जाती रहती है, गमसा ही रोल है, सत्यदेव के साथ काफी ज्यादा टाइम बिताते हैं अक्षय कुमार, और साथ ही साथ में नसीर साहब का जो किरदार है वो भी बहुत बढ़िया है यहाँ पर। उनके जो कैरेक्टर्स हैं लगभग सेम ही इंटेंसिटी से चलते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा एक्ट किया और आपको थोड़ा बहुत सरप्राइज भी करेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अभी एडवेंचर स्टोरी होती है जिसके अंदर आपको गॉड की खोज या रीडिस्कवरी करनी होती है। ऐसी मूवी अभी रिसेंटली भी बनी थी जिसका नाम था कार्तिकेय 2, जहाँ पर रीडिस्कवरी ऑफ कृष्णा विष्णु हुई थी, और यहाँ पर भी विष्णु के एक अवतार यानी कि राम की एक रीडिस्कवरी है राम सेतु के ऊपर। तो क्या ये हिंदी सिनेमा की साबित होगी कार्तिकेय 2 जैसी बड़ी हिट कि नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों मूवीज के अंदर, के जो एक हीरो है वो नास्तिक है और वो एक साइंस बिलीवर है, और ही सडनली गेट्स इन्वॉल्व आउट ऑफ नो वेयर इन टू द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, बहुत ज्यादा डेयरिंग है और रेस अगेंस्ट टाइम चल रही है। ये ही फॉर्मूला इसके अंदर भी इस्तेमाल किया गया है। क्या इसके अंदर वर्क करती है, क्या चीज नहीं करती है, वो बात करते हैं। बिफोर दैट आई टेल यू द स्टोरी। बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसको अंदर ये फाइंड आउट करना है कि जो ब्रिज है बेसिकली एक मिथ है या रियलिटी है, और ये क्वाइट क्लियर हो जाता है ट्रेलर से भी आपको। बट यहाँ स्टोरी के अंदर उसकी प्रेमाइज जो है एक न्यूट्रल टोन में दी जाती है और थोड़ा सा एक पॉलिटिकल एंगल उसको दिया जाता है, और जिसकी वजह से गुड और बैड पीपल की इंट्रोडक्शन भी हो जाती है, विच इज लाइक पीपल हु आर प्रो एंड फॉर द ब्रिज, और कुछ लोग इस तरीके के जो अगेंस्ट द ब्रिज है। ये कौन है या मूवी में अंदर देखना, वो भी एक ठीक ठाक सा सस्पेंस है। और जो इसी के साथ ही जो इंट्रोडक्शन होती है अक्षय कुमार और विलन्स की भी होती है। जो अक्षय कुमार है बेसिकली इज अ कैरेक्टर हु डजंट बिलीव इन गॉड, ही बिलीव दैट ठीक है होता होगा गॉड, लेकिन मेरे को हर चीज साइंटिफिक तरीके से प्रूव करनी है, और वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और काफी जबरदस्त तरीके का उसको ये टास्क दिया जाता है। और वो जो टास्क करते करते उसको क्या क्या कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है, क्या क्या एडवेंचर होता है उसके साथ या मिस एडवेंचर होते हैं रादर, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर, जो आपको ठीक ठाक एंगेज करती हैं। विजुअली इट्स अ वेरी गुड फिल्म, अंडर वाटर सीन्स वगैरह काफी अच्छे हैं, एट द सेम टाइम कुछ एरियल शॉट्स हैं और कुछ एक्शन सिक्वेंसेज हैं जहां पर मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी करी गई है जो थोड़े से रॉ लगते हैं, बट म्यूजिक जो है उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर जाता है। वहां पर इतना ज्यादा लाउड और ट्रांस टाइप म्यूजिक हो जाता है कि आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब थर्ड चीज में अगर यहाँ पर हम बात करें कि कैरेक्टर डेवलपमेंट किस तरीके की थी यहाँ पर, और स्पेसिफिकली जो हमने कार्तिकेय देख ली, तो कार्तिकेय का जो कैरेक्टर है किस तरीके से वो बिहेव करता था और किस तरीके से उसका जो थिंकिंग माइंड था, ओवर थिंकिंग माइंड था, जजमेंटल था, वो यहाँ पर अक्षय कुमार का भी उसी तरीके से दिखाया गया। बट जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है एक ऐसे नास्तिक इंसान की, हु टर्न्स अ बिलीवर एंड देन ही इज अगेंस्ट टाइम एज वेल, और वो जो पॉइंट आता है जब वो एक बिलीवर बन जाता है, वो एक अच्छे तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। और जो इविल फोर्सेस हैं जो राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, वो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि क्या ये कार्तिकेय 2 जैसी ही बड़ी मूवी बन सकती है, मे बी आई डोंट नो, बिकॉज जो चीजें मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कमी लगी वो थी जो बेसिकली कार्तिकेय 2 के लिए भी चलेगी, एक बहुत ही सॉलिड सा स्क्रीन प्ले था वहां पर, यहाँ पर हर एक स्क्रीन के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा था, वन थिंग वॉज लीडिंग टू अनदर, तो एक बड़ी गेम फिर भी एंड तक पेंडिंग पड़ी हुई थी। दिस इज सम वॉट आई वुड से लैकिंग फॉर राम सेतु, के छोटे 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 बिल्डअप होते ही चले जा रहे हैं, विच इज लीडिंग टू समथिंग बिग, ओके, बट हैविंग सेड दैट फिर भी इट्स अ वन टाइम वॉच जो आप देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। मैं तो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और ज्यादा चीजों की डिस्कवरी एक्सपेक्ट कर रहा था, बट थोड़ी सी इंटेंसिटी इसके अंदर कम है, और कुछ कुछ चीजें जो आपको इविल फोर्सेस की साइड से दिखेंगी वो थोड़ी सी बचकाना आपको जरूर लगेंगी, वो टिपिकल विलन वाली हरकतें होंगी, ना कि समथिंग विच इज बेसिकली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एट लार्ज, तो वो थोड़ा सा ज्यादा आपसे रिलेट शायद ना करे। बट लास्ट के 15 मिनट्स फॉर श्योर काफी ज्यादा इंटेंस हैं, काफी ज्यादा कुछ कुछ जगहों पर तो इतना जबरदस्त म्यूजिक आता है आपके रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। तो इट विल बी अ सक्सेसफुल मूवी, इट विल बी अ हिट मूवी फॉर श्योर, बट कितनी बड़ी वो मेरे ख्याल से अभी वर्ड ऑफ माउथ जब निकलेगा तब पता
पता चलेगा। कभी कभी इस मूवी के इसके सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं और इस मूवी को लेकर सेंटिमेंट्स लोगों के काफी ज्यादा हाई हैं। ऑफ कोर्स दिवाली के टाइम पे भी रिलीज हुई है तो आप समझ ही सकते हैं। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।